वेलकम स्टूडेंट्स, हुण असीं करांगे मनुखी अधिकार सिक्ख्या दे सिद्धांत। तीन सिद्धांतां दे हैडिंग बनावांगे असीं। सब तो पहला हैगा बुनियादी सिद्धांत, फंडामेंटल प्रिंसीपल्स, फिर जनरल प्रिंसीपल्स, प्रिंसीपल्स ऑफ टीचिंग ऑफ ह्यूमन राइट्स एजुकेशन, अध्यापन संबंधी सिद्धांत। सब तो पहला असीं देखते हैं बुनियादी सिद्धांत। यूनेस्को ने संविधान के कुछ बुनियादी सिद्धांत निश्चित किए हैं। ये सिद्धांत मनुखी अधिकार सिक्ख्या नाल संबंधित संगठनों की वरतों ते कार्यों लई आधार ते अगवाई निर्देश प्रदान करते हैं। इन्हां दी जिहड़ी एक्सप्लेनेशन जां असीं कह लईए नीचे लिखे जिहड़े सिद्धांत ने उह इहदे विच आउणगे। सब तो पहला हैगा निरपक्षता का सिद्धांत, प्रिंसीपल ऑफ नॉन डिस्क्रिमीनेशन। सिक्ख्या कानून के अनुसार तत्थां अनुसार सारे लिए होनी चाहिए है। तो यूनेस्को की इत्थे जिहड़ी गल कही गई 1960 विच यूनेस्को ने कही है सिक्ख्या के मौकों में समानता लई, वह असी थोड़ी जी रिपीट करांगे। इत्थे बिना जाति लिंग के वखरेवे समाजिक ज आर्थिकता नाल संबंधित सिक्ख्या के मौकों में समानता होनी चाहिए है। तो ये अंदर फिर सब हैडिंग ने समानता दे जड़ा निरपक्षता का सिद्धांत ये अगे सिद्धांत की है, समान मौके ते वतीरा, इक्वैलिटी ऑफ ऑपरचुनिटी एंड ट्रीटमेंट। समान मौके का जिक्र आ जड़ा पहली बार सिक्ख्या नाल संबंधित एक अंतरराष्ट्रीय समझौते विच यूनेस्को दे संविधान की भूमिका विच आया सी। ए धारा 26 कहती है उच्च सिक्ख्या मैरिट के आधार पर सब नूं एक समान सुलभ होनी चाहिए है। इत्थे उच्च सिक्ख्या की गल की गई है, उच्च सिक्ख्या जिहड़ी मैरिट के आधार पर सब नूं एक समान सुलभ होनी चाहिए है। टैक्नीकल एंड वोकेशनल एजुकेशन 1980 के सम्मेलन में भी यह मनिया गया कि तकनीकी ते पेशावर सिक्ख्या सब लई बराबर सुलभता का अधिकार होना चाहिए है। फिर सिक्ख्या की सर्वव्यापी उपलब्धता, यूनिवर्सल एक्सैस टू एजुकेशन। तो यह सिक्ख्या के सर्वव्यापी अधिकार की पहुँच आ। यह सिद्धांत यूनेस्को वालों सिक्ख्या के खेत्र में विकसित किए गए। ये सारे जड़े खेत्र ने उन्हां विच मिलता है, सारे खेत्र मतलब प्राइमरी, सैकेंडरी ते हायर एजुकेशन। फिर हैगा इहदे विच इकजुटता दा सिद्धांत। तां हुण असीं इह सारे निरपक्षता दे सिद्धांत कर रहे हां, इहदे अंदर इकजुटता दा सिद्धांत आऊगा। यूनेस्को दे संविधान च दर्जा इकजुटता दा सिद्धांत, सब लई सिक्ख्या दे अधिकार दी प्राप्ति एक सोमा या शक्ति है। यह गल वर्ल्ड एजुकेशन फॉर्म विच आ गई है जिथे अंतरराष्ट्रीय भाईचारे ने मनिया कोई भी देश जो सब लई सिक्ख्या प्रति गंभीरता नाल वचनबद्ध है इसे निशाने की प्राप्ति लई घाट कारण अपनिया प्राप्तियों विच असफल नहीं होण दिता जाएगा। होर दूसरे सिद्धांत, तो हुण दूजा हैडिंग साडा निरपक्षता का सिद्धांत। यह हैडिंग ने बुनियादी सिद्धांत निरपक्षता का, इदू बाद हैगा होर दूसरे सिद्धांत, ये बुनियादी सिद्धांतों से आउणगे तुहाडे। तां इस तो बाद होर दूसरे सिद्धांत केड़े केड़े ने, सुलभ स्वीकार योग, करन योग, अनुकूलन योग। सिक्ख्या जिहड़ी उह सुलभ होवे, स्वीकार करन योग होवे ते अनुकूलन योग होवे। सिख्यार्थी सहभागी केंद्रित होनी चाहिए है। सीखण वातावरण की एक व्यापक हदबंदी प्रति नवीनताकारी ते अनुकूलन योग। सहभागियों के समाजिक ते सभ्याचारक प्रसंग, समाजिक ते सभ्याचारक प्रसंग प्रति उपयुक्त होनी चाहिए है। मनुखी अधिकार नुक्ता निगाह जां इस नाल संबंधित वास्तविक तजर्बियां द्वारा प्राप्त प्रतिबिंबां उपर केंद्रित होनी चाहिए है। समस्या हल ते आलोचनात्मक चिंतन लई उत्साहजनक होनी चाहिए है।
सहभागियों के शरीरक संवेगात्मक समाजिक बौद्धिक अध्यात्मक सभ्याचारक लोड़ां वल निर्देशित होनी चाहिए है। तो यह सीगे साढ़े बुनियादी सिद्धांत। फिर अगे साढ़े को साधारण सिद्धांत। साधारण सिद्धांतों के सब तो पहला लोकतंत्री सिद्धांत, मनुखी अधिकार सिक्ख्या गणतंत्री सिद्धांतों का विकास करना चाहिए है। विभिन्न प्रकार के अविद्यक अभ्यासों द्वारा इस मनुखी अधिकार संबंधी मसलों बिना किसी पक्षपात के बिना वख-वख परिखेपां तो बचना चाहिए है। फिर संचारी कौशलों का विकास, कम्यूनीकेशन स्किल्स की डिवेलपमेंट करनी, मनुखी अधिकार सिक्ख्या लोकतंत्र लोड़ीदे संचारी कौशलों का विकास ते आलोचनात्मक चिंतन उत्पन्न करन विच सहायता करनी चाहिए है। इसनों इंसाफ दे प्रतिष्ठता दे सर्वव्यापी स्ट्रगल नू बहु सभ्याचारक ते इतिहासिक प्रखेपा तो पेश करना चाहिए है, सभ्याचारक ते इतिहासिक। फिर दिल ते दिमाग की कसुरता, इंटीग्रेशन ऑफ हैड एंड हार्ट, मनुखी अधिकार सिक्ख्या ने नू मन ते दिल विच इक सारता पैदा करनी चाहिए है। इसनों विद्यार्थियों ये चुनौती देनी चाहिए है कि वह उन्होंने व्यक्तिगत तौर पर मनुखी अधिकारों का की अर्थ है, उन्होंने उत्साहित करना चाहिए है, वह अहिंसक क्रियावां बारे दिल नाल सोचण ते कार्रवाई करन दे योग होण। फिर अगे हैगा हैडिंग मनुखी परिवार की आपसी निर्भरता, इंटरडिपेंडेंस ऑफ ह्यूमन फैमिली, मनुखी अधिकार सिक्ख्या मनुखी परिवार की आपसी निर्भरता पक्का करना चाहिए है। उसनों गुंजलदार संसारी ताकतों बारे सूझबूझ बधाना चाहिए है। जो दुर्व्यवहार पैदा करते हैं नाल ही इन्हों दुर्व्यवहारों खत्म करन तो ते बचन के ढंग लभने चाहिए हैं। तो ये सीगे साढ़े जनरल प्रिंसीपल्स। इस तो बाद साढ़े है अध्यापन संबंधी प्रिंसीपल। तीन तरह के प्रिंसीपल असी करने से ये प्रिंसीपल्स ऑफ टीचिंग ऑफ ह्यूमन राइट्स एजुकेशन। ये प्रेजेंटेशन इन द क्लासरूम आती है कि क्लासरूम के जमात के कमरे के जड़ी पेशकारी किमें होगी। मनुखी अधिकारों बारे किसी पूर्व ज्ञान बारे कल्पना करो, परंतु जो सहभागी पहला तो जानते हैं उस नाल इस संबंधित गल करन दी कोशिश करो। ये सिद्धांत है। फिर है अधिकारों नू मानन ते जोर दिओ, ना कि सिर्फ अधिकारों की उलंघना बारे गल करो। आम तौर पर अधिकारों की पेशकारी अधिकारों की उलंघना पेश करके सहभागियों चका देंदे हन। उन्हां नू ये दसना चाहिए कि किवें मनुखी अधिकार कानून ने दुनिया के लोगों लई नियम ते मियार स्थापित किए ने। इट मीनज चंगियां गल्लां ने जिहड़ियां अपनाईयां होईयां गल्लां ने जिहड़ियां बीतियां होईयां गल्लां ने वह भी दसनिया चाहीदियां ने, ना कि उलंघना बारे ही सिर्फ गल करनी चाहिए है। फिर अगे हैगा अजिहे मौके प्रदान किए जाने चाहिए हैं जिन्हां द्वारा व्यक्तिगत तजर्बियां नू मनुखी अधिकार सिद्धांतों के नाल जोड़िया जाए। फिर हैगा सब तो पहला घट्टो घट एक मनुखी अधिकार दस्तावेज उत्ते ध्यान केंद्रित किया जाए, विद्यार्थियों नू इसकी एक कापी दिती जाए, उन्हां नू इस संबंधी पूरी जानकारी ते क्रियाशील ढंग नाल गतिविधियां करने लिए उत्साहित करना चाहिए है। इस विच उस दस्तावेज की वरतों करनी चाहिए है। इहदा मतलब यह है कि एक तुसी जो भी मनुखी अधिकारों नाल संबंधित जो जो भी होईयां ने अगे गल्लां जां जो भी सुझाव मिले ने उन्हां वल ध्यान केंद्रित करके उन्हां बारे जिहड़ी जानकारी ते क्रियाशील गतिविधियां करन दी सलाह दित्ती जानी चाहीदी है स्टूडेंट्स नूं ते उत्साहित कीता जाणा चाहीदा उन्हां नूं। फिर हैगा क्रिया कारवाई करन दी स्वै इच्छा प्रदान करो, जिहड़ी एक्टिविटी है वह बच्चे अपनी इच्छा नाल करनगे। पेशकारी दे दौरान जां पिछों सहभागियों नूं इह खुल होणी चाहीदी है।
फिर अगे हैगा विद्यार्थियों नूं घर दा काम जरूर देना चाहिए है जो घर जाके पढ़ सकन जां दूसरे नाल चर्चा कर सकन। यह एक तत्थ आधारित शीट हो सकती है जिस विच किसी मसले बारे पूर्ण रूप विच सूचना दित्ती गई होवे। इस विच इंटरनेट वैबसाइटां जां इस मसले बारे कार्ज कर रहे संगठनां दा वेरवा भी होना चाहिए है। इस मसले बारे अगलेरी सिक्ख्या लई सोमियां बारे भी दसना चाहिए है। तां इह सीगे सारे मनुखी अधिकार सिक्ख्या दे सिधांतां दे विच टीचिंग नाल संबंधित सिधांत। तां इहदे विच असीं तीन तरह के सिधांत किते ने, तां इह तीन तरह के सिधांत ने जिहड़े इंपोर्टेंट ने। तां सिधांतां दा जिहड़ा क्वेश्चन आ साडा इत्थे खत्म हुंदा है। अज दी वीडियो च इन्ना ही काफ़ी, अगे फिर मिलांगे नैक्सट वीडियो दे विच। ओके, थैंक्स।